दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे पनामा पेपर्स क्या हैं और इसकी वजह से नवाज शरीफ की कुर्सी क्यों गई, उसे प्रधानमंत्रीशिप से इस्तीफ़ा क्यों देना पड़ा। इससे पहले एक आपसे अपील, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। हमारा चैनल है स्कूल एफसेटा। तो आइए शुरू करते हैं, पनामा पेपर्स क्या है। पनामा पेपर्स पनामियन कंपनी मोसेक फोनसेका के द्वारा इकट्ठा किया हुआ 1,15,00,000 गुप्त फाइलों का भंडार है। इनमें कुल 2,14,000 कंपनियों से संबंधित जानकारियां भी हैं। पनामा की यह लॉ कंपनी आपके पैसे को मैनेजमेंट करने का काम करती है। यदि आपके पास बहुत सा पैसा है और आप उसे सुरक्षित रूप से ठिकाने लगाना चाहते हैं तो यह आपकी मदद करती है। यह आपके नाम से फर्जी कंपनियां खोलती हैं और उसके कागज़ों का हिसाब किताब रखती हैं। इस कंपनी द्वारा दुनिया भर में किए जा रहे कारोबार पर भी पनामा देश की अर्थव्यवस्था भी निर्भर करती है। आइए जानते हैं इस पूरा मामला क्या है। टैक्स बचाने वाले दुनिया के अमीर लोगों से जुड़ा अब तक का सबसे बड़ा खुलासा सामने आया था। पनामा की एक लॉ फर्म से लीक हुए करोड़ों के दस्तावेज़ों ने दुनिया की तमाम बड़ी हस्तियों को कटघरे में खड़ा कर दिया है। हैरानी की बात यह है कि इतनी बड़ी धांधली में व्लादिमीर पुतिन, जो कि रशिया के राष्ट्रपति हैं, नवाज शरीफ, शी जिनपिंग और फुटबॉलर मैसी जैसे बड़े नाम शामिल हैं। हमारे भारतीयों में देखा जाए तो अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय आदि के भी नाम इसमें आ रहे हैं। संभावना है कि शायद उनका भी इसमें नाम हो। इस खुलासे में क्या है। पत्रकारों का एक समूह जिसे इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेशन जर्नलिज्म के नाम से जाना जाता है, एक बड़ा खुलासा किया है। पनामा, जो कि उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के भूभाग को जोड़ता है, एक कानूनी फर्म मोसेक फोनसेका के सर्वर को 2013 में पत्रकारों ने हैक कर लिया था और उसके करीब 1,10,00,000 दस्तावेज़ों का खुलासा क्रमवार किया है। कागज़ बताते हैं कि किस तरह से पैसे वाले लोग ऐसी जगह पर अपना पैसा लगाते हैं जहां टैक्स का कोई झंझट ही नहीं होता है। इसे टैक्स चोरी का स्वर्ग या टैक्स हेवन भी कहते हैं। लीक हुए दस्तावेज़ों में खुलासा हुआ है कि विश्व के प्रमुख बैंकों द्वारा संचालित उद्योग, लीगल फर्म और एसेट मैनेजमेंट कंपनियाँ गुप्त रूप से विश्व की अमीर हस्तियों, राजनेताओं, फीफा के अधिकारियों, ड्रग स्मगलर, फिल्मी हस्तियों और पेशेवर एथलीटों की संपत्तियों को किस तरह से गुप्त रखा जाता है। इस जांच में एक साफ तस्वीर उभर कर सामने आई है कि किस तरह से विश्व के अमीर लोगों से मोसेक फोनसेका निवेश स्वीकार करती थी। इससे पहले कौन से बड़े खुलासे हुए हैं। सबसे बड़ा खुलासा विकीलीक्स का हुआ था, जिसमें 1.7 GB की फाइलें थीं। उसके बाद अब तक का सबसे बड़ा, यानी कि पनामा पेपर्स 2013 में ये लीक हुआ, 260 GB। लग्जमबर्ग टैक्स फाइल्स 2014 में ये लीक हुआ, इसकी 4.4 GB है। अभी तक इसका कुछ खास पता नहीं लगा हुआ। HSBC फाइल 2015 3.3 GB, ये स्विट्ज़रलैंड की जो बैंक है उसका फाइल्स है। पनामा देश ही क्यों चूज़ किया गया, इसकी वजह है। पनामा में दो तरह के टैक्स सिस्टम है। एक है टेरिटोरियल टैक्स सिस्टम, इसमें रेजिडेंस और नॉन रेजिडेंस कंपनियों से भी टैक्स वसूला जाता है जब इनकम देश में ही जनरेट हुई हो। दूसरा है कॉरपोरेशन टैक्स सिस्टम, इसमें टैक्स रेट 25% है और विदेशी निवेश पर पनामा में कोई टैक्स नहीं लगता। इस वजह से बाकी जो अमीर लोग हैं वो इस सिस्टम के साथ जुड़े हैं ताकि उनको टैक्स देना ही ना पड़े और उनका जो पैसा है 2 नंबर का वो खपत हो जाए। अब जानते हैं कि पनामा पेपर्स की वजह से नवाज शरीफ को अपनी कुर्सी से क्यों हाथ धोना पड़ा। शरीफ के परिवार की लंदन में प्रॉपर्टीज का खुलासा पिछले साल पनामा पेपर्स लीक मामले में हुआ था। इन संपत्तियों के पीछे विदेश में बनाई गई कंपनियों का पैसा लगा हुआ है, जिनका मालिकाना हक नवाज शरीफ के बच्चों के पास है, जिसमें कि मरियम शरीफ, जो कि अभी मिनिस्टर भी हैं उनकी गवर्नमेंट में। लंदन में शरीफ परिवार द्वारा खरीदे गए फ्लैट्स के लिए पैसे कहाँ से आए, इसके बारे में नवाज शरीफ और उनके परिवार से पूछताछ की गई पर वो कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे सके। GIT यानी कि ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम ने अपनी रिपोर्ट में नवाज और उनके परिवार पर धोखाधड़ी, फर्जी कागजात बनाने और अपनी आय से जरिए को छुपाना छुपाना और आय से ज़्यादा आलीशान जीवन जीने जैसे कई संगीन आरोप लगाए थे।
अब जानते हैं इससे भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब देखिए, प्रधानमंत्री नवाज शरीफ थे, उन्होंने फिर भी कई लोगों को जोड़ कर रखा हुआ था। अब वो चले गए हैं तो पाकिस्तान में एक प्रकार की अस्थिरता आ गई है, जो कि भारत में चिंता का विषय है। कमर बाजवा, जो कि पाकिस्तानी आर्मी के चीफ हैं, उनकी अगुवाई में पाकिस्तानी सेना और मजबूत हो गई है और उनकी सत्ता के ऊपर और पकड़ मजबूत हो गई, यानी कि एक प्रकार से आर्मी रूल दोबारा लागू हो गया है। अब भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए सक्रिय आतंकी संगठनों को खुली छूट मिल सकती है, क्योंकि अब उनके ऊपर कोई गवर्नमेंट का चेक तो है नहीं। इसके साथ ही कश्मीर में पाकिस्तानी सेना का हस्तक्षेप भी बढ़ सकता है। इस पनामा लीक से हमें भारतीयों को क्या सीख लेनी चाहिए? बहुत सारे भारतीय लोगों का नाम भी पनामा पेपर्स लीक में सामने आया था, लेकिन अभी तक कुछ साबित नहीं हुआ है। इसमें कई फिल्म स्टार, उद्योगपतियों के नाम हैं। अगर इसमें से किसी का भी नाम है तो उनकी जो भी शेल कंपनियां हैं उनकी जांच होनी चाहिए, और इससे काले धन पर भी अंकुश लग सकता है। अब जानते हैं ये एक फर्म काम कैसे करती है। मोसेक फोंसेका फर्म विदेशियों को पनामा में शेल कंपनी यानी कि जाली कंपनी बनाने में मदद करती है, जिसके ज़रिए वे अपनी वित्तीय संपत्तियों को अपना नाम या पता बताए बिना खरीदते हैं। वर्ष 1987 में अपने गठन के बाद से फर्म ने पनामा के बाहर दुनिया भर में अधिकारियों और अपने एजेंट्स को तैनात किया है। फर्म के ये अधिकारी दुनिया भर में अपने क्लाइंट्स को न सिर्फ पनामा बल्कि बहामास, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड और अन्य टैक्स हैवन देशों में शेल कंपनीज बनाने में मदद करते हैं। अब जानते हैं ये शेल कंपनीज होती क्या हैं। शेल कंपनियां वे हैं जिन्हें ऊपर से देखने से लगता है कि वे कानूनी तौर पर सही हैं और अच्छा व्यापार कर रही हैं, लेकिन वो अंदर से खोखली कंपनियां होती हैं जो कि कोई व्यापार नहीं कर रही होती हैं, वो सिर्फ एक पैसे का मैनेजमेंट कर रही होती हैं। वह यह भी छुपाती हैं कि ये पैसा किसका है, कहाँ से आया है। इस कंपनी के मैनेजमेंट में वकील, अकाउंटेंट और यहाँ तक कि दफ्तर के सफाई कर्मचारियों को भी शामिल कर लिया जाता है। वह कागजात पर दस्तखत करने और लेटर हेड पर अपना नाम दर्ज करने की इज्जत के देने के अलावा कोई काम नहीं करते हैं। यह कंपनियां गलत कैसे हैं? शेल कंपनियां दुनिया भर में बैंकिंग की जो गोपनीयता है के लिए अपने सेंटर्स को बनाते हैं, जो एक सीमा तक गोपनीयता रखते हैं। इससे वास्तविक ओनर का नाम पता करना बहुत ही मुश्किल होता है। आगे क्या होने वाला है इस खुलासे के बाद पुलिस और टैक्स अथॉरिटीज़ ने जांच शुरू कर दी है, और उनके रडार पर अब स्विट्ज़रलैंड का HSBC और UBS के अंतर्राष्ट्रीय बैंक हैं। इन बैंकों का कहना है कि वे जांच एजेंसियों का पूरी तरह सहयोग करेंगे। पनामा स्थित लॉ फर्म मोसेक फोंसेका के वो फाउंडर रेमन फोंसेका ने स्पष्ट किया है कि जो ये दस्तावेज लीक हुए हैं और जो हैकर्स ने किए हैं, इन्हें गैरकानूनी तरीके के साथ हैक किया गया है, परंतु यह डॉक्यूमेंट वैलिड हैं। दोस्तों, मेरे हिसाब से आपको पनामा पेपर्स लीक के बारे में काफ़ी कुछ पता लग गया है। अगर हमारे और भी अच्छे टॉपिक पढ़ने के लिए आप जानना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारी इस YouTube के ऊपर चैनल है स्कूल FZR, उसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।